सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम। यूपी आयोजित करेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण होगा। सीएम सुरक्षा में तैनात अनफिट जवान हटेंगे। राज्यपाल सुरक्षा में होगा जवानों में बदलाव। करीब 100 से भी ज्यादा जवानों को हटाया जाएगा। भारी बारिश का देश में जारी है कहर। अलग अलग हादसों में 28 लोगों की मौत। जल प्रलय में करीब 1 दर्जन लोग बहे। बिहार के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में मची भगदड़। 7 श्रद्धालुओं की मौत। 35 घायल। पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबाली। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको बता दें आज दौरा होने जा रहा है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम। सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर समीक्षा करने की तैयारी में। जी आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होने की खबर। आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। बता दें भारत मंडपम में होने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों में जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। दिल्ली प्रस्थान से पहले सीएम योगी लखनऊ में जल जीवन मिशन परियोजना की समीक्षा भी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी समीक्षा बैठक में रहेंगे मौजूद। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं अभिनव हमारे साथ। जी अभिनव, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा है, क्या रहेगा पूरे दिन का कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। करीब शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर भारत मंडपम में जो समीक्षा बैठक होनी है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके बाद सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजनाओं को लेके जो समीक्षा होनी है उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच के करेंगे। और ये देखिए दिल्ली का सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, उससे पहले वो दोपहर तक आज लखनऊ में ही मौजूद रहेंगे और तमाम अन्य कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि सीएम आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और देखिए उससे पहले विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर उनका यह दिल्ली का दौरा है और यह दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है। भारत मंडपम में होने वाली समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की दिल्ली दौरे के दौरान शामिल होते नजर आएंगे। और वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। वहां पे उपचुनाव होना है तो प्रदेश अध्यक्ष उपचुनाव की कमान संभालते हुए आज वहां पे नजर आएंगे। तो देखिए तमाम जो नेताएं हैं उनके लगातार दौरे जारी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे करीब दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ भारत मंडपम में जो समीक्षा बैठक होनी है, सड़क परिवहन की बात करें राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर जो बैठक होनी है उसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जी अभिनव, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी उपचुनाव को जीतने में ऐसा लग रहा है कि कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसको लेकर जिस तरह से दौरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आने वाले इस उपचुनाव से वो पुरानी कसर को बराबर करना चाहती है। और बात करें अगर अयोध्या की तो अयोध्या सीट जिस प्रकार से बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में हार गई आम चुनाव में, वो बहुत ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उससे झटका लगा है और इसका बदला भारतीय जनता पार्टी मिल्खीपुर विधानसभा में जीत लेने के साथ करना चाह रही है। तो लगातार देखिए 10 सीटों पर तो बीजेपी फोकस करके चली रही है, लेकिन जो अयोध्या की मिल्खीपुर विधानसभा सीट है जहाँ पे उपचुनाव होना है, जहाँ से अवधेश प्रसाद सांसद हुए हैं, तो वहां को लेके भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही इस बार उसको सतर्कता से ले रही है और वहां पे कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही। इसीलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लगातार दौरे जारी हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष कमान संभाले हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह के भीतर 2 बार दौरे कराए हैं अयोध्या के, तो कहीं ना कहीं ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को दिखा रहा है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव इतना गंभीरता पूर्वक लेती हुई मैदान में उतरती हुई
नजर आ रही है लगातार। जी जिस तरह से भारत मंडपम में ये कार्यक्रम होना है, क्या लगता है कौन कौन मंत्री, कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये भारत मंडपम में जो कार्यक्रम होना है इसमें सड़क परियोजनाओं की समीक्षा होनी, तो कई तमाम जो अधिकारी हैं और परिवहन विभाग से जुड़े हुए वो हो सकते हैं। इसके अलावा परिवहन मंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। और इसके अलावा देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तो आज दिल्ली दौरे पर है ही, वो भी आज शाम को इस समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए भारत मंडपम में मौजूद रहेंगे। तो तमाम समीक्षा नजर जी अभिनव, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज, यहां पर कई कार्यक्रम में शामिल होने की खबर सामने आई। आपको बता दें, सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक होने वाली है। यूपी आयोजित करेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण होगा 25 से 29 सितंबर तक। आपको बता दें, सीएम ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की है। जी आपको बता दें, 25 से 29 सितंबर तक यूपी करेगा आयोजित। सीएम ने आयोजन की तैयारियों की खुद समीक्षा की है। यहाँ लखनऊ यूपी आयोजित करेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। वही इस ट्रेड शो पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। आपको बता दें, 25 से 29 सितंबर तक यूपी करेगा आयोजित ये ट्रेड शो। सीएम ने खुद की है आयोजन की तैयारियों की समीक्षा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण ये होगा। आधी आबादी को मोदी सरकार से सम्मान ड्रोन दीदी लखपति दीदी को आमंत्रण। 15 अगस्त झंडा रोहण में पीएमओ ने किया आमंत्रित। लाल किले पर नजर आएंगी ड्रोन लखपति दीदी। 15 अगस्त झंडा रोहण में पीएमओ ने किया आमंत्रित। जी हाँ, 15 अगस्त को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, लाल किले पर नजर आएगी ड्रोन लखपति दीदी। आधी आबादी को मोदी सरकार से सम्मान। आगामी 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों पर। ड्रोन दीदी लखपति दीदी को आमंत्रण। सीएम सुरक्षा में तैनात अनफिट जवान अब हटेंगे। जी हां, राज्यपाल सुरक्षा में होगा जवानों में बदलाव। करीब 100 से भी ज्यादा जवानों को हटाने की तैयारी में है। सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया जाएगा ये बड़ा फैसला। जी आपको बता दें, करीब 100 से भी ज्यादा जवानों को हटाने की यहां पर तैयारी है। सुरक्षा की समीक्षा के बाद ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात अनफिट जवान अब हटेंगे। राज्यपाल सुरक्षा में होगा जवानों में बदलाव। करीब 100 से भी ज्यादा जवानों को हटाने की तैयारी है यहां पर। वही सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया जाना है ये फैसला। बता दें, 100 से भी ज्यादा जवानों को हटाने की तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है। सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया जाएगा ये बड़ा फैसला। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि राहुल गांधी को लेकर है। आपको बता दें, राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जल्द ही राहुल गांधी को ईडी नोटिस भेज सकती है, सूत्रों का दावा। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ कर सकती है। 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से 40 घंटे पूछताछ की थी। वही अब ये मामला फिर से सामने आता हुआ। जी आपको बता दें, 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की थी। राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए एक बार फिर से अब बुला सकती है। जैस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी को लेकर
सामने आई है। आपको खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए फिर से बुला सकती है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अगर जेबा अगर बात करें हम राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को 2022 में भी एक बार जाहिर सी बात है ईडी ने बुलाया था। और दूसरी चीज आपको बता दें कि ये मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर ईडी एक बार फिर से उनको बुलाने की तैयारी कर रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, कहीं कहीं देखा जाए तो इसमें राहुल गांधी की भूमिका को देखते हुए ईडी ने इनके ऊपर शिकंजा कसा था। और 2022 में एक बार इनसे पूछताछ, लगभग 40 घंटे इनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद आज फिर से दोबारा राहुल गांधी को एक बार ईडी जो है वो नेशनल हेराल्ड के मामले में आज पूछताछ कर सकती है। जी राजेश, जिस तरह से अभी हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से भी ये बयान सामने आया था और उन्होंने ये बात भी सामने रखी थी कि ईडी जल्द ही मुझे फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगा, तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो पहले से ही बात बता रखी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज सच होती दिखाई दे रही। बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ अगर देखा जाए तो मामला हुआ था और राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि ईडी हमको पूछताछ के लिए बुला सकती है, तो जाहिर सी बात है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी को आज ईडी फिर से आज उनको तलब कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। पिछली बार उनसे 40 घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसको लेकर एक बार फिर से दोबारा ईडी जो है राहुल गांधी से पूछताछ आज कर सकती है। इस पूछताछ की बात अगर करें तो जैसे कि हाल पिछली जो पूछताछ हुई थी वो करीब 40 घंटे लंबी चली थी, तो क्या लगता है इस बार की पूछताछ कहाँ तक लंबी चल सकती है, बताएं? देखिए, ईडी का मामला है, कहीं कहीं देखा जाए तो ईडी से जुड़ा हुआ मामला है और ईडी पिछली बार 40 घंटे पूछताछ की थी, लेकिन इस बार अब देखने वाली बात होगी कि ईडी राहुल गांधी से कितने घंटे पूछताछ करती है। बहरहाल अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी से एक बार ईडी पूछताछ आज करने वाली है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अब कितने टाइम ईडी पूछताछ में लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी राजेश कुमार जी, धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। जी आपको बता दें, राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए एक बार फिर से बुला सकती है। राहुल गांधी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ कर सकती है। 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से करीब 40 घंटे पूछताछ की थी और एक बार फिर ये खबरें सामने आती हुई कि ईडी पूछताछ के लिए राहुल गांधी को दोबारा बुला सकती है। बिहार के जहानाबाद में स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में अचानक से मची भगदड़ की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि इस हादसे में 35 श्रद्धालु घायल हो गए। जहानाबाद सदर अस्पताल में अभी 7 शवों को लाया गया है और मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। बताया ये जा रहा कि सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। वहीं पुलिस ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भारी बारिश का देश में कहर लगातार जारी। आपको बता दें, अलग अलग हादसों में 28 लोगों की मौत, जल प्रलय में करीब 1 दर्जन लोग बहे। नोएडा गाजियाबाद के कई सोसाइटी में बाढ़ जैसे हालात आज भी बने हुए। बारिश की कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। जी आपको बता दें, बारिश का प्रलय यहां पर देखने को मिल रहा है। नोएडा गाजियाबाद के कई सोसाइटी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लोग इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। जी आपको बता दें, बारिश का देश में लगातार कहर जारी है। अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी आपको बता दें, अलग अलग हादसों में 28 लोगों की मौत, जल प्रलय में करीब 1 दर्जन लोग बहे। नोएडा गाजियाबाद के कई सोसाइटी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश से कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।
दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। अलग अलग हादसों में 28 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन ये प्रलय की तस्वीरें कहीं से कम होने का नाम एक तरह से नहीं ले रही। आपको बता दें नोएडा गाजियाबाद के कई सोसाइटी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आज भी बारिश से कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। मुंबई सेंसेक्स में और निफ्टी में गिरावट, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक गिरा। मार्केट खुलते ही निफ्टी 100 अंक हुआ धड़ाम। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बाजार पर असर, शेयर बाजार में शुरुआती गिरावट दिखी। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी गिरावट नजर आई। लखनऊ में आज से विधानसभा मार्ग पर बदला रहेगा यातायात, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां आज से विधानसभा मार्ग पर होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। गंज से बापू भवन चौराहे मार्ग पर रहेगा प्रतिबंध। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 3 दिनों तक रहेगा बदलाव। विधानसभा के आसपास रहेगा यातायात में बदलाव। जी, आगामी 15 अगस्त को लेकर तैयारियां लखनऊ में अब जोरों पर। आपको बता दें आज से विधानसभा मार्ग पर बदला रहेगा यातायात। विधानसभा मार्ग पर होगी फुल ड्रेस रिहर्सल आज से शुरू। गंज से बापू भवन चौराहे मार्ग पर रहेगा प्रतिबंध। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 3 दिनों तक रहेगा बदलाव। विधानसभा के आसपास रहेगा यातायात में बदलाव। जी हां, लखनऊ में कई राज्यों से जुड़ रहे हैं रेलवे पेपर लीक के तार। सीबीआई को अन्य राज्यों में मिले गिरोह के सुराग। राजस्थान, बिहार व हरियाणा में मिले हैं गिरोह के सुराग। एपटेक कंपनी के कर्मचारियों से भी अब होगी पूछताछ। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ओर से कराई गई थी परीक्षा। जी, रेलवे भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, विभागीय जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव की थी। लखनऊ, कई राज्यों से जुड़ रहे हैं रेलवे पेपर लीक के तार। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की रियल टाइम रिहर्सल हुई शुरू। रिहर्सल के अवसर पर मंडलायुक्त पहुंची। डीएम भी विधानसभा स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ शुभारंभ आज से। जालौन में सुरक्षा गार्ड ने युवक से की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है अब खूब वायरल। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बांदा में एसपी अंकुर अग्रवाल की चली तबादला एक्सप्रेस। राजेंद्र सिंह जसपुरा से प्रभारी निरीक्षक बदौसा। सविता श्रीवास्तव बदौसा से प्रभारी महिला थाना। राम दिनेश तिवारी थाना अध्यक्ष कालिंजर। मोनी निषाद थाना अध्यक्ष जसपुरा। जयचंद्र सिंह थाना अध्यक्ष कालिंजर से थाना गिरवा। कृष्ण प्रताप सिंह थाना गिरवा से थाना जसपुरा। जी हां, बांदा में एसपी अंकुर अग्रवाल की चली तबादला एक्सप्रेस। जी हां, यहां पर कई अधिकारियों के तबादले नजर आए। राजेंद्र सिंह जसपुरा से प्रभारी निरीक्षक बदौसा बनाए गए। सविता श्रीवास्तव बदौसा से प्रभारी महिला थाना बनाई।
राम दिनेश तिवारी थाना अध्यक्ष कालिंजर बने। खबर पर अधिक जानकारी के साथ पूरन राय बादा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरन राय जी, जिस तरह से यहां पर अधिकारियों के तबादले की सूचना सामने आई, पूरन क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दें कि बांदा जनपद में एस पी अग्रवाल ने तबादला एक्सप्रेस चलाए गए, जिसमें से उप निरीक्षक राजेश कौर मिश्रा, चौकी प्रभारी सिंह और थाना बिसंडा का बनाया गया है। और इसके बाद में उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी एसआई थाना सिंहपुर थाना भेजा गया है। और इनके अलावा उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार थाना गोदवाई नगर, चौकी प्रभारी विद्यालय बनाया गया। तो ऐसे करके जो उप निरीक्षक है उनके सबके तबादले करके एक यहाँ से वहाँ इनको तबादला किया गया है। इन तबादलों की अगर बड़ी वजह जानना चाहे क्या हो सकती है? जी आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल पुलिस अधीक्षक ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है, जिससे जो क्षेत्र में घटनाएं जिस तरह की होती है उसको समुचित ठीक ठाक बनी रहे उसके लिए लोगों के तबादले कराए गए थे। जी जी, जिस तरह से तबादले हुए हैं, क्या लगता है आगामी आने वाले दिनों में भी तबादलों का ये सिलसिला जारी रहेगा? कड़ी सख्ती से निपटा जा रहा है कह सकते हैं, पूरन राय? जी जी जी, इस पर जैसा कि पुलिस अधीक्षक ने अभी हाल ही में कुछ अभी तबादले एक्सप्रेस चलाई है, इसके बाद इसके पूर्व में भी तबादला एक्सप्रेस ऐसे चलाते रहते हैं जिनसे जो भी कानून व्यवस्था है उस पर किसी प्रकार की दिक्कत न हो और जो भी अपराध होते हैं उस पर नियंत्रण लगाया जाए। जी बहुत धन्यवाद पूरन राय जी इस खबर पर अधिक जानकारी हमें देने के लिए। मेरठ में एक बार फिर से धर्मांतरण का खुलासा हुआ। हिंदुओं को ईसाई बनाने का चल रहा था यहां पर खेल। संडे प्रेयर में हिंदुओं का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। जी हां, धर्म परिवर्तन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे रहे। यहां पर लोगों की सूचना पर पुलिस ने मकान पर छापेमारी की, तब जाकर ये खुलासा हुआ। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ अभी जारी है। थाना जिया मेरठ में एक बार फिर से धर्मांतरण का खुलासा सामने आया। हिंदुओं को ईसाई बनाने का यहां पर धंधा चल रहा था। संडे प्रेयर में हिंदुओं का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मकान पर की थी छापेमारी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और अब पूछताछ फिलहाल जारी है। जी हां, मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हिंदुओं को ईसाई बनाने की यहां पर कवायद चल रही थी, जिसका आज बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, संडे प्रेयर में हिंदुओं का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मकान पर यहां छापेमारी की और उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। और कह सकते हैं कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ आई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। जिया मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, धर्मांतरण को लेकर आए दिन कई मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। उसका ही नतीजा है कि एक बार फिर से ऐसी ही खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। जी आपको बता दें, ये खबर हम आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है, जहां पर हिंदुओं को ईसाई बनाने की कवायद चल रही थी, जिसका बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। मेरठ में एक बार फिर से धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ। शहर शहर खबर खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।